हेलो बडी, मेरा नाम है ऋषभ। आप देख रहे हो ऋषभ मनेरवाला। गाइज, आज हम लोग गाय के लिए चारा लाने जा रहे हैं, क्योंकि जो गाय का चारा हो गया था खत्म, मतलब उसका जो राशन पानी हो गया था, राशन पानी उसका खत्म हो गया था। सोच रहे हैं कि उसका राशन पानी ला दिया जाए, क्योंकि उसका राशन पानी एक बैग तो मिलेगा नहीं। तो जाकर आज हमें ढूंढना पड़ेगा दुकान से कि भाई आप कुछ चारा पानी रखे हो, उसके लिए ले लिया जाएगा। और उसके बाद आज हम लोग क्या करने हैं लाइफ स्टाइल में, गाय का जो कैसे लालन पोषण होता है, मतलब कैसे पाला पोसा जाता है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। क्योंकि गाँव का लाइफ स्टाइल कैसा होता है लड़कों का, आज इस वीडियो में आप जान जाओगे कि कैसे उनका जीवन चलता है। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो को बस लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जा रहे हैं हम लोग आपका यहाँ सीधे राशन लेने के लिए, गाय का मतलब गाय का चारा पानी जो चारा का दुकान होता है वहां से जाएंगे, और उसका राशन लेकर हम लोग आने वाले हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे कसा जाएगा, कैसे होगा, सब आप जान जाओगे देख के वीडियो। ठीक है, तो गाइज बात ऐसा है कि मैंने ले लिया है बोरा, और रहा मेरा धुंधो साइकिल, तो मैं अब जा रहा हूँ साइकिल पे चारा लाने के लिए गाय के लिए। तो वीडियो पर बस बने रहो। अब देखो मैं यहाँ पर ऐसे रख दे रहा हूँ, तो रखने के बाद ऐसे ऐसे बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। यहाँ पे इसको इस तरह घुसा कर और मैं चल दिया अपने मंजिल की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने साइकिल अपना उठा लिया है और निकल गया हूँ चारा लाने के लिए। आगे दो गांव है, ये रहा मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। चलिए, तो गाइस जैसा कि देख रहे हो, मैं अब आ गया हूँ इस रोड में, और यहाँ से जाऊँगा, अभी बहुत दूर है जाने के लिए। बस जा रहा हूँ साइकिलिंग करते हुए, और आगे देख रहे हो पूरा रास्ता सुन सन्नाटा है। बहुत दूर से लाना पड़ता है गाय के लिए चारा, क्योंकि हमारे आस पास पड़ोस में नहीं बेचते हैं वो लोग, तो गाँव देहात में जाना पड़ता लाने के लिए। अब क्या ही कहा जा सकता है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। देख रहे हो कि अभी मेरे को लगता है 1 किलोमीटर में चल गया होगा साइकिल, अभी मैंने 1 किलोमीटर चला लिया है। पसीना देख रहे हो, पूरा पसीना ही पसीना हो रखा है। अब क्या ही कहा जा सकता है, अभी भी बहुत दूर है, अभी मंजिल करीब नहीं है। जा रहे हैं, आज तो किसी हालत में चारा तो ले ही लेंगे। अपने धन्नो पे बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, बस साइकिल कर रहा है। मंजिल दूर है, बस कोई बात नहीं, हम लोग साइकिल चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ तक ये साइकिल ले जाती है। तो साइकिल अब हम लोग बस 10 मीटर 220 मीटर का दूरी पे हम लोग हैं, उसके बाद काम हो जाएगा। चलिए हम लोग आ गए हैं और चारा का दुकान, अगर हमें आ गया हूँ लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस हमने अब यहाँ पे बोरा ला दिया है, और ये रहा यहाँ पे गाय का लिए चारा, और मैं ये रहा मेरा बोरा, मैं इसको यहाँ पे सीधे ऐसे करके क्या करूँगा, यहाँ पे इसको भरूँगा, उसके बाद गाय के लिए चारा हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है गाइस, तो गाइज मैंने यहाँ से चारा जो है मैंने यहाँ पे अपना ये कस लिया, मेरा यार धन्नो, और मैंने इसको कस लिया है। अब मैं इसे क्या करूँगा, बांध कर और मैं इसे डायरेक्ट आपको घर मिलता हूँ। ठीक है गाइज, क्योंकि रास्ते में साइकिल भी चलाना होगा और इसको भी रखना होगा, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो मैं बस इतना कस लिया हूँ, करीब 17-18 kg है, और मैं इसको लेकर सीधे घर जाता हूँ। ये तो मेरे घर वापस पहुँच जाएगा, ये लोग इतना ये लोग पहले से भी कस कर रखा हुआ है, तो बस ये इसको लेकर सीधे घर अब मिलता हूँ मैं। ठीक है, गाइस मैंने आज गाय का चारा लेके आ गया है, अब नहा के आपसे
कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।